हाल ही में रामटेक तालुका विधि सेवा समिति और तालुका बार संघ रामटेक के तत्वाधान में सिविल कोर्ट रामटेक के आयोजित राष्ट्रीय महालोक अदालत द्वारा नियुक्त एक पैनल के समक्ष कुछ मामलों को रखा गया था। इनमें दीवानी, फौजदारी और पूर्व दाखिल मामलों जैसे कुल 67 मामलों का फैसला सुनाया गया। कुल 5,29,000 रुपए में समझौता कर मामला सुलझा लिया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता तालुका विधि सेवा समिति की अध्यक्ष और सिविल जज HS सतपुते ने। इस अवसर पर लोक अदालत के कार्यक्रम में एसोसिएट सिविल जज श्रीमती DS सरदा ने, सेकंड एडवोकेट सिविल जज RR शिरेकर ने शिकायत की। लोक अदालत में मंच पर मौजूद पदाधिकारियों के साथ पहुंचे सिविल जज HS सतपुते व पार्टी बैंक के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तालुका वकील संघ के सचिव MV एयरपुड़े, जय श्री मेघारे, सुरभि खंडलवार, साथ ही आनंद गजबीय, अरविंद कारेमोरे, वाहने हटवार और तालुका वकील संघ के अन्य सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय महालोक अदालत के अध्यक्ष एंड सिविल जज HS सतपुते ने अपने भाषण में लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की, ताकि समय और धन की बचत हो। महालोक अदालत के अवसर का लाभ उठाकर पारिवारिक मतभेद, वाद विवाद और अन्य मामलों को निपटाने के लिए अदालत और लोक अदालत का सहयोग किया जा सके। इस अवसर पर तालुका वकील संघ के कर्मचारियों और अदालत के कर्मचारियों, सहायक अधीक्षक आरती तेलंगे, किशोर उर्कुड़े, वरिष्ठ लिपिक गिरतकर वाकाड़े, कांचन वानखेड़े गायकवाड़, कनिष्ठ लिपिक गंडे, आकाश येरपुड़े, पंकज कामड़ी और अदालत के कर्मचारियों ने लोक अदालत की सफलता के लिए सहयोग किया।